नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक नवीन विषय को लेकर। प्रिय दर्शकों, आज तक हमारा कार्यक्रम ज्योतिष शास्त्र से संबंधित रहा, आज आप सभी के समक्ष सामुद्रिक शास्त्र लेकर उपस्थित हूं। आप सभी को बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कार्य अभी तक हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे। साथ ही इस विषय में एक और विषय जोड़ लेते हैं और वो है सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान। तो आज का हमारा विषय है हथेली में नवग्रहों का स्थान। हस्तरेखा विज्ञान में हथेली में बनने वाली रेखाओं तथा चिन्हों के द्वारा फल कथन किया जाता है, भूत भविष्य एवं वर्तमान को जाना जाता है। वही हथेली में नवग्रहों का भी स्थान है। आज हम उन स्थानों को समझेंगे कि वो कौन सा स्थान है और नवग्रहों का स्थान हमारे हथेली में कहां पर है। इन नवग्रहों के स्थान को हस्तरेखा विज्ञान में पर्वतों के नाम से जानते हैं, या यूं कहे कि हथेली के पर्वतों का नामकरण ग्रहों के नाम पर किया गया है। ग्रहों में स्वाभाविक रूप से जो गुण दोष होते हैं, वही गुण दोष इन पर्वतों के उभार से ज्ञात किए जाते हैं। चलिए समझते हैं कि हथेली में ग्रहों का स्थान कहां है। इससे पूर्व आपको बता दूं कि हथेली में मणिबंध से लेकर मध्यमा उंगली के अंतिम सिरे तक का भाग हथेली माना जाता है। यानी चित्र में जो आप ये तीन रेखाएं देख रहे हैं, इसको मणिबंध कहा जाता है। और मणिबंध से लेकर मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर के अंतिम भाग तक का जो भाग है, यानी यहां से लेके मणिबंध से लेके मध्यमा उंगली के अंतिम भाग तक का भाग हथेली है। और इस हथेली में बनने वाले प्रतीक चिन्ह रेखाएं और पर्वतों के माध्यम से भूत भविष्य एवं वर्तमान को जाना जाता है। आज हम केवल नवग्रहों के स्थान के बारे में बात करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अंगूठे के मूल भाग में शुक्र पर्वत है, यानी दैत्य गुरु शुक्र का स्थान है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये अंगूठे के नीचे का जो ये स्थान है, ये दैत्य गुरु शुक्र का स्थान है। इसे हस्तरेखा विज्ञान में शुक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करें तर्जनी उंगली की, तो जो अंगूठा के पास में उंगली है वो है तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर। उसके मूल भाग में देव गुरु बृहस्पति का स्थान है, यानी यहां पर इस स्थान में देव गुरु बृहस्पति का स्थान है। फिर बात करते हैं मध्यमा उंगली के मूल भाग में, यानी मिडिल फिंगर के मूल भाग में शनि का स्थान है यहां पर। आप चित्र में भी देखते जाइए, यानी मध्यमा उंगली के मूल भाग में शनि का स्थान है। अब अनामिका उंगली, रिंग फिंगर के मूल भाग में सूर्य का स्थान है, यानी इस स्थान को सूर्य पर्वत के नाम से जाना जाता है। और लिटिल फिंगर यानी कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में बुद्ध का स्थान है, यानी बुद्ध का पर्वत है। अब बात करते हैं चंद्र, मंगल एवं राहु व केतु का स्थान कहां है।
तो प्रिय दर्शकों, मंगल को हथेली में दो स्थान प्राप्त है, जिसको ऊर्ध्व मंगल व निम्न मंगल के नाम से जाना जाता है। तो बृहस्पति पर्वत के नीचे यानी तर्जनी उंगली के मूल भाग में बृहस्पति का पर्वत हो गया, और बृहस्पति के पर्वत के नीचे निम्न मंगल का स्थान है यानी निम्न मंगल का पर्वत है, यानी यहां जैसे ये तर्जनी उंगली हो गया, तर्जनी उंगली के मूल भाग में बृहस्पति का स्थान हो गया, बृहस्पति पर्वत के नीचे निम्न मंगल का स्थान है, और बुध पर्वत के नीचे ऊर्ध्व मंगल का स्थान है, यानी मंगल का स्थान। जैसे देखिए ये कनिष्ठिका उंगली है, कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध का पर्वत है, बुध पर्वत के नीचे यहां इस प्रकार हस्तरेखा विज्ञान में मंगल को दो स्थान दिए गए। अब ऊर्ध्व मंगल को बुध मंगल भी कहा जाता है, और जो देवगुरु बृहस्पति पर्वत के नीचे जो निम्न मंगल का स्थान है उसको राहु मंगल भी कहा जाता है। अब समझते हैं कि हथेली में चंद्रमा का स्थान कहाँ है। तो ऊर्ध्व मंगल के नीचे का जो स्थान है यानी हथेली में कनिष्ठिका उंगली के मूल में बुध का पर्वत हो गया, बुध पर्वत के नीचे ऊर्ध्व मंगल का स्थान हो गया, और ऊर्ध्व मंगल के नीचे चंद्र का स्थान है यानी बुध का पर्वत ये है, ऊर्ध्व मंगल का स्थान ये है, और चंद्रमा का स्थान उसके नीचे यहां है। अब बात करते हैं हथेली में राहु व केतु का स्थान। तो प्रिय दर्शकों, हथेली के मध्य में राहु का स्थान है, जैसा कि ये स्थान आप देख रहे होंगे, हथेली के मध्य में राहु का स्थान है, और राहु से ठीक नीचे केतु का स्थान है यानी मणिबंध के पास यहां केतु का स्थान है। ये आपको हथेली पर भी समझा दूं, तो ये आप हथेली देख पा रहे होंगे, अंगूठा के नीचे जो ये क्षेत्र है ये शुक्र का है, तर्जनी उंगली के मूल में ये बृहस्पति का क्षेत्र है, मध्यमा के मूल में शनि का क्षेत्र है, अनामिका उंगली के मूल में सूर्य का क्षेत्र है, और कनिष्ठिका उंगली के मूल में इसको बुध का क्षेत्र कहते हैं। अब बुध के क्षेत्र के नीचे जस्ट ये जो क्षेत्र है ये ऊर्ध्व मंगल का क्षेत्र है, और ऊर्ध्व मंगल के नीचे ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये चंद्र का क्षेत्र है। जब ऊर्ध्व मंगल का क्षेत्र ये है तो निम्न मंगल का क्षेत्र ये है यानी बृहस्पति पर्वत के ठीक नीचे, और राहु का स्थान इसके मध्य में है, और केतु का स्थान ठीक इसके नीचे यहां पर है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप हथेली में नवग्रहों के स्थान को समझ गए होंगे, और आप अब उसे सरलता पूर्वक बता देंगे। अब बात करते हैं इन पर्वतों का फल कैसे समझें। तो हस्तरेखा विज्ञान में इन पर्वतों के तीन अवस्था होती है, पहला सामान्य पर्वत, दूसरा विकसित पर्वत, और तीसरा अविकसित पर्वत। इन तीनों में जो विकसित है पहले उसको समझते हैं, यानी जो उभरा हुआ है। प्रिय दर्शकों, मैंने पहले ही कहा इन पर्वतों का नामकरण ग्रहों के नाम पर किया गया है, जैसा कि आपने समझ लिया अनामिका उंगली के मूल में सूर्य का पर्वत है। यदि वह पर्वत यानी सूर्य पर्वत उभार लिए हो, विकसित हो, उभरा हुआ हो, तो सूर्य के जो विशेष गुण हैं वो गुण जातक को प्राप्त होते हैं। अब सूर्य का विशेष गुण क्या है, तो सूर्य का कारकत्व है सूर्य यश मान पद प्रतिष्ठा का कारक है, और यदि आपके हथेली में सूर्य पर्वत उभार लिए हो यानी सामान्य अवस्था से थोड़ा उभरा हुआ हो, तो ऐसे जातक को समाज में मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती।
और यदि यही पर्वत अविकसित हो यानी उभरा हुआ न हो, देखने पर ऐसा महसूस हो कि दबा हुआ हो, तो इन फलों में कमी हो जाती है। यानी व्यक्ति चाहे किसी भी स्थान पर पहुंच जाए, किसी भी पद पर पहुंच जाए, चाहे समाज में कितना ही अच्छा कार्य कर ले, उसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा वैसा नहीं मिल पाता, उसको अपने किए का श्रेय नहीं मिल पाता। अब यदि यही सूर्य पर्वत सामान्य अवस्था में दिखे, यानी ये न ज्यादा उभरा हुआ हो और न ज्यादा दबा हुआ हो, यानी विकसित भी नहीं है और अविकसित भी नहीं है, तो इसको समझेंगे कि ये पर्वत सामान्य अवस्था में है, ऐसे में मध्यम फल हो जाता है। इसी प्रकार आप बृहस्पति के भी पर्वत को समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति कारक है धर्म के, ज्ञान के, संतान के, तो जिनके हथेलियों में बृहस्पति पर्वत यानी तर्जनी उंगली के मूल में जो बृहस्पति पर्वत है वो यदि उभरा हुआ हो तो व्यक्ति में धर्म के प्रति रुचि होगी, धर्म कर्म करने वाला होगा। सुख के कारक हैं बृहस्पति, तो उसके जीवन में सुख की कमी नहीं होगी। वहीं यदि बृहस्पति पर्वत उभार लिए न हो, अविकसित हो, तो इन फलों में कमी हो जाएगी, यानी ये फल जातक को प्राप्त नहीं होंगे, उसको जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा, सुख की कमी होगी। सामान्य अवस्था में हो तो ये फल मध्यम हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप आज का कार्यक्रम समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।